Look out, here she comes. Woman that I love. Good morning, क्या हाल चाल है? दादी आई हुई थी तुलसी पे पानी चढ़ाने और दादू सेक रहे हैं धूप. गुड मॉर्निंग. और तेरे तो ये कौन सा नमस्कार पॉलिटिशियन वाला? जो भी मैं इलेक्शन आ रहे हैं तो आप नमस्ते करने लग गए. नहीं नहीं मैं दूर हूँ ना, मैं कहता हूँ नमस्ते. अच्छा सो गाइस आज बन रहा है दाल का पराठा. वाओ बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद है ना मम्मा. इस लड़की को यहाँ बैठ के एक ही टेंशन है, मैम क्लास कब खत्म होगी. मम्मा नीचे मुझे मैंने जब वो प्रिंसेस वाला आंटी ने दिया था दीदी ने वो मेरे फ्रेंड्स के लिए, नीचे मुझे भी जाना है. हाँ ठीक है चुके चले जाएंगे. कितनी देर है? मैं धागा भी तोड़ लिया नीचे. ओके हाँ जी, आप जो कह रहे थे परसों चले फिर इंडिया गेट ना. हाँ दिखा दें लोगों को. अभी क्या शाम को? शाम पाप मुझे समझ नहीं आ रहा. शाम को इसलिए कि शाम को लाइट जलती है, मतलब ऐसे जाए सुबह देख ले, आती बार थोड़ी रात हो जाए तो लाइट, लाइट तो वो टाइम मतलब 5:30 बजे वहाँ पे हो. हाँ 5:30 ना ठीक है. हाँ जी सिमर जी इन झांकियाँ देखने के लिए, पता नहीं शायद दिखेगा भी नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे काम भी हो रहा है. पहले तो इंडिया गेट पे ना वो झांकियाँ के वहीं, अब तो वहाँ मेमोरियल बन गया है. हाँ मेमोरियल भी देख के आएंगे. नहीं उतरेंगे नहीं गाड़ी से, देखेंगे क्या क्या देखना. चलो पहली बार इसको दिखाने. हाँ इंडिया गेट ले जाऊंगा. यू वांट टू गो? यार ये बहुत दिनों से बोल रही थी इंडिया गेट दिखा के लाओ. हम गए थे तो बन रहा था इंडिया गेट, राष्ट्रीय सड़क जो राजपथ बन रहा था. अब तो बन गया, पता नहीं वो तो आज जाके पता चलेगा. हमें और अगर हम दिखा पाए तो बहुत ही अच्छी साइट होगी क्योंकि वहाँ पे झांकियाँ खड़ी होती है, वहाँ पे टैंक्स होते हैं जहाँ पे हम जाने का सोच रहे हैं आज. तो लेट्स सी पहुँचते हैं क्या होता है वहाँ पे. रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, अगर होगा तो बिल्कुल आज शाम को आपको दिखाते हैं. देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ. ये तो बचाव होगी मम्मा, ठंड भी नहीं लग रही हमें, हवा नहीं लग रही. धूप धूप तो निकली हुई है आज पर, लेकिन हवा बहुत चल रही थी तो हमने सोचा टेंट में घुस जाए. अब यहाँ से कहीं से हवा नहीं लग रही. खाना हो गया जी? भाई मैं नीचे गया, जिंदगी के नजारे हो रहे हैं. दादी नहीं मिल रही मेरे को, मैं तो चिंतित हो गया. फिर इधर देखा उधर देखा, चलो मैं नहा लेता हूँ. नहा लिया फिर देखा वो कमरे में अंधेरा था, मैं सो रही हूँ तब भी नहीं थी. फिर मैं तौलिया जब धूप में डालने गया फिर पता चला दादी कहाँ पिछली फिर वाली बालकनी में. फिर मुंह में रौनक आई मेरे. अच्छा नहीं तो मेरा तो बस हो रहा था दादी पता नहीं कहाँ चली गई छोड़ के मुझे. अच्छा चाय बन रही है, बस चाय पी के निकल रहे हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ. देखते हैं वहाँ पे अगर हम आपको दिखा पाए कुछ अच्छा झांकियाँ वाकियाँ तो मजा आ जाएगा. तो बस मम्मा ने शुरू हो जाती है. शुरू क्या होती है? वहीं पे खड़े रहती है. अच्छा ऐसा कुछ है, हम भी क्लियर नहीं है यार. अभी जाएंगे तो पता चलेगा. अभी दोपहर के हो गए हैं 4:30 और हम कोशिश कर रहे हैं कि 15-20 मिनट में निकल जाए बस यहाँ से. Ritzy is getting ready for India gate. Ritzy, are you excited? No. Huh? You not excited? No. Why? Uski jelly tootti. That's okay. Wo jud jayegi. Wo raat 1 hour lagta hai usko judne mein. To abhi kya karenge hum jab aayenge? We'll make it. Ab wo kuch se jor ho jati hai raat tak. Raat tak ho jati hai na? To ha to jab aayenge we'll keep it. Theek hai bana ke. And then तो फिर बस रख के चलते हैं, फिर परेशान होने की क्या बात है. वहाँ ले जाओ, चलो कोई बात नहीं. आर यू एक्साइटेड नाउ? हैं इधर देख के बताओ. ऐसे रोते हुए अच्छे नहीं लगते आप. जेली है बेटा, वो कोई एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, वो टूट गई कोई बात नहीं, नहीं आ जाएगी या नहीं बन जाएगी. ऐसे नहीं रोते जाना ठीक है. यू नीड टू बी हैप्पी. सो दोस्तों और बंधुओं बात दरअसल ऐसे है कि आज हम निकल चुके हैं यार. आपको क्या लगता है कि अगर आपके ऐसे तीन चार तो नहीं यार, यहाँ पे जैसे 3-4 दिख रहे हैं ये और यहाँ पे एक दिख रहा है, सो शुड आई कलर माई हेयर? जो लोग कलर करते हैं यार बताओ. मैंने आई हैव नेवर यूज्ड एनीथिंग ऑन माई हेयर, नो ट्रीटमेंट और नथिंग, जस्ट ऑयल ऑन ऑल. बट नाउ हुण जिद्दां तुसीं देख सकदे हो वी बुढ़ापा आ रहा है हौले हौले करके, बुढ़ापे नूं तो आन तो कोई रोक नहीं सकदा. तो मैं रंग करा ला अपने बाला नू, ते जे करा ला तो केड़ा कलर करा ला? फॉर आवर साउथ पीपल आई एम जस्ट आस्किंग दैट शुड आई कलर माय हेयर सिंस यू नो
Now I'm aging and the white hair are pretty much visible. So that was the question. Because ये मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि किसी एक बार मुझे किसी का साउथ से मैसेज आया था दैट यू नो जो साउथ का लोग हैं they don't understand what you say in Punjabi. So please comment and let me know. शाम है नहीं जैसे अनकही शीशा नहीं साफ. हाँ देखो जी राहुल सेठी और बहुत सारे पक्षी अपने घर की तरफ जाते हुए और सूरज भी अपने घर को जा रहा है भाई. हाँ बड़ा सूरज ने बहुत साथ दिया हमारा और पूरा दिन ये बरकरार रहे तो बहुत अच्छा लगा यार. यही मई और जून के महीने में पूछूंगा मैं जब सूरज साथ दे रहा होगा ना कि सूरज ने कितना साथ दिया और कितना साथ नहीं चाहिए. तब के हमारे तब के रोने होंगे उनको अभी आज याद करके थोड़ी ना रोना है. तो हम रोते ही रहेंगे क्या? करंट का रोना कोई बात नहीं. हम हंसेंगे कब इन सब चीजों पे कि सूरज आगे गर्मी लग रही है हंसे उस पे. ऑब्वियसली बात है खुश होना चाहिए. सर्दियाँ फिर चली जाएंगी फिर हम कहेंगे भैया गर्मी इतनी हो रखी है जल्दी ठीक हो जाए. हम तो नहीं कहेंगे. हम नहीं कहेंगे. हम तो कहेंगे आम पकेंगे तरबूज पकेंगे और क्या फ्रूट खाएंगे. फसल पकेगी. सही बात है. इंडिया गेट पहुंच गए हैं यार. अब हम कौन से बच्चों का पार्क? अच्छा पार्क है बच्चों का. इसमें काफी बच्चों को देखने लायक चीजें हैं. अच्छा ऊपर से चढ़ के कैसे चले जाएंगे यार बच्चों की. पैर रखो ऊपर खुद अंदर पुलिस वाले होते हैं. आपको दिखा दिया कि फिर कभी आएंगे. अभी जब खुलेगा ना विल डेफिनेटली कम. नहीं मुझे इंडिया गेट आना. इंडिया गेट आज भाई रिदा की मतलब रिदा इतने दिनों से बोल रही थी कि इंडिया गेट देखना और उस दिन इसने 26 जनवरी की परेड देख ली पापा के साथ बैठ के. तब से और हो गई इसकी. तो वो देखो इंडिया गेट तो दिख रहा है ना. अभी राजपथ की तरफ जाने देंगे नहीं देंगे ये देखना. यार ये स्टिल द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन और ये पता नहीं कब से चल रही है कंस्ट्रक्शन. So guys, इस तरफ है इंडिया गेट और हमने जाना बेसिकली लेफ्ट में. लेट्स सी और हमें जाने देते नहीं जाने देते क्योंकि बंद है. ये तो पुलिस लगी हुई है काफी ज्यादा. इंडिया गेट भी बंद है. आउतरी सर ये झांकी और राजपथ जा सकते हैं नहीं जा सकते अभी? एंटर नहीं है. कब से खुलेगा? एंटर नहीं है इधर से. अच्छा नॉर्मल जो पहले झांकियां वहां की होती थी अब नहीं है. पार्किंग मत करने गई ठीक है. कोई करेन वाला का भी उठा ले जाए. अच्छा अच्छा ठीक है. थैंक यू. इंडिया गेट देख लो. पुलिस वाले अंकल ने बोला है भैया ने कि ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे. सर रिदा एक बार रो चुकी है क्योंकि उसका बड़ा मन था जाने के लिए बट यहाँ पे अभी मेरी बात हुई है और उन्होंने बोला कि कोई फंक्शन चल रहा है वहाँ पे और राजपथ की तरफ किसकी तरफ जाती है वो राष्ट्रपति भवन की तरफ ना वो रोड. हाँ. वहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है तो नहीं दिखा पाएंगे यार आपको झाके वहाँ के. मेरे ख्याल से वो पहले बहुत बचपन में आए थे. पता नहीं होती भी है कि नहीं होती है. नहीं वो बोल रहे थे कि है बट कोई फंक्शन चल रहा है वहाँ पे तो अभी इसलिए उन्होंने बंद कर रखा है. बस अब हम सीपी की तरफ जा रहे हैं यार. लेट्स सी वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत घूम के फिर घर जाएंगे वापस. सो ये शांग्रीला होटल सामने जाओगे? पार्क जाएंगे बेटा. कोशिश करते हैं अगर पार्क मिलेगा कोई तो बिल्कुल ले जाएंगे आपको. ठीक है इसे कहते हैं सेंट्रल पार्क जहाँ पे झंडा लगा हुआ है. एंड ये बीच में खुला होता था पब्लिक के लिए लेकिन आजकल बंद है. सो ये कितना अच्छा सजाया हुआ है यार सीपी. देखो ऐसा लग रहा है दिवाली के आसपास आए हैं. दिवाली में होती है जनरली इतनी लाइट्स. सर हम यहाँ काकी द होटल पहुँच गए और कहीं पे रुकने उकने का तो था नहीं. हमने सोचा यहीं डिनर कर लें तो गाड़ी लगा रहे हैं राहुल और फिर डिनर करेंगे काके पे.
रिदा ने बोला कि मुझे चलो डिनर ही करा दो बाहर, तो हमने कहा चलो वेरी नाइस। और बहुत फेमस है यार ये काकेदा होटल ना, आई एम श्योर आप लोगों ने सबने सुना होगा, जिसने नहीं सुना तो काफ़ी पुराना है और बहुत अच्छा मशहूर रेस्टोरेंट है। तो गाइस ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा ज़्यादा, और आज हम टाइम से आ गए हैं, बेसिकली आज हो रहे हैं 6:39, तो इसलिए हमें वेटिंग नहीं लग रही है, बट यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती है भाई ऑर्डर लेने के लिए। सो ये है दिल्ली का मशहूर काकेदा होटल, ये आउटर सर्कल में पड़ता है सीपी में, और अभी दिखाते हैं आपको क्या खाते हैं। बड़ा अच्छा खाना होता है इसका, ये जबरदस्ती के जो खुल गए हैं, बाकी काकेदा होटल वो सब बेकार है, क्योंकि ये कहते हैं वी हैव नो ब्रांच आउटसाइड कनॉट प्लेस, वो देखो लिखा हुआ है भाई, बहुत अच्छा है। प्याज चटनी भाई, इस वजह से मसाला डालते हैं, मस्त मजा आ जाता है। इसको खाना है बेटा। तो गाइस 6:48 हुए और हमने ऑर्डर कर दिया खाना। यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, 5 मिनट भी लगेंगे और ऑर्डर आ जाएगा। एक्चुअली नीचे देख चीज में सब कुछ बना पड़ा हुआ है, बस वो डालते हैं और ले आते हैं, तो आई थिंक 5 मिनट्स भी लगेंगे हमारा ऑर्डर आने में। बटर चिकन और थोड़ा सा मटन की डिश है एक, तो ये सब आ चुका है और ये मैजिक है भाई, इसका टेस्ट जो है ना वहाँ तक कहीं नहीं मिला मुझे। थोड़ा सा रायता, इनको वेजिटेरियन सब्जियाँ पसंद नहीं आ रही थी, तो इन्होंने कहा कि ग्रेवी के साथ खा लेंगे, मम्मा तो सिर्फ पराठा और रायता ही खाएंगी। सो गाइस आप देख सकते हो कि कैसा स्वाद था, सारी प्लेटें चट है, वो सब जा रहे हैं नीचे, सिमर को आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है नेचुरल्स पे, तो लेट्स गो एंड हैव सम आइसक्रीम नाउ। गाइस ऐसे बना के रखते हैं ये लोग, देखती हूँ मैं, और इसलिए सर्विस बहुत फास्ट है इन लोगों की ना। क्या किस्मत निकली आज, पीछे काकेदा होटल और उसमें खानी थी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम हो रही नेचुरल्स की। गाइस वो दिख रही है आपको नेचुरल्स, वो हरे रंग का जो मिल, ये हाँ, तो ये नेचुरल्स है, बस यहाँ से जाएंगे वॉकिंग, आइसक्रीम खाएंगे और फिर निकलेंगे घर। तुम्हें पता है नेचुरल्स किधर है? वो हरे रंग का निशान, इतने पास ही था। हाँ जी, क्या ले लिया? क्या यो यो? यस यो यो, वेरी गुड। ओबो, यू हैव टू बी केयरफुल विद अ। सो आ गए गाइस नेचुरल, और सिमर की चाल ही बदल गई, देखो देख रहे हो। चलो चलो रिदा तो जल्दी हो गई योयो के पीछे, एंड वी वांट टू ऑर्डर नाउ। रिदा वांट्स टू हैव कोकोनट आइसक्रीम बेसिकली, मम्मा को सीताफल पसंद है, हम लोग देखते हैं अभी क्या खाते हैं। सो कनॉट प्लेस में इसी चीज़ के लिए फेमस है ये जो इनर सर्कल है, इसमें ये स्ट्रक्चर है और ये ब्रिटिश एरा का स्ट्रक्चर है गाइस। आप देख लो कैसे अब तक इसका स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि इतना अच्छे से बनाया हुआ है, इतना स्ट्रांग है कि कोई हिसाब नहीं। और ऐसे ही जब हम यूके जाते थे, यूरोप जाते थे ना, तो बहुत पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल बिल्ट। तो गाइस अगर आपने वो देखा हो चक द इंडिया, जहाँ से शाहरुख खान पहले निकलता है, और एक स्टैचू होता है ध्यानचंद जी का, वो ये है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम आपके लेफ्ट में, यहाँ की शूटिंग है वो देखो सामने, यहीं से वो एक सर्कल लेके बाहर निकलते हैं जब उनको बोलता है कि कोच अपॉइंट कर दिया है। एंड दिस इज सामने सम अदर ऑफिस, बट कितना अच्छा लेटर, सिमर का बेस्ट ट्री है इस प्रॉपर्टी के अंदर, याद आ रहा है सिमर? हाँ ऑब्वियसली, अगर वो लिट किया होगा यार, ये मुझे इतना सुंदर लगता है ना ये पेड़, मतलब मैं ये देख रहे हो, इट्स ब्यूटी। ए देखो जी, बस जब भी जाते हैं यहाँ से सिमर कहती है यार ये बेस्ट लगता है। और मैंने अर्जुन को भी दिखाया था, याद है तुझे? और दूसरी चीज हमने नेचुरल की आइसक्रीम नहीं मिली, तो दूसरी जगह भी पहुंचे तो वो बंद हो चुका था, क्योंकि 8 बजे लॉकडाउन है अभी भी दिल्ली में। तो बस अभी रिदा हैज सेटल्ड फॉर अ चिप्स का पैकेट। क्या क्या लिया रिदा आपने? एक चीज बॉल और जेली ले लिए रिदा ने, और अब उसको संडे को कुछ नहीं लेके देंगे, तो संडे का काम आज हो गया और आइसक्रीम अब वो नहीं खा रही है। बट हमारी सिमर जीत रह गई, कोकोनट फ्लेवर का बड़ा मन हो रहा था, बट एक तरह से बचाव भी हो गया, क्योंकि तो अब इसको गले में खराश सी रखती थी। तो पहुंच गए घर हम, गाइस रिद्धा को बचा लिया था आइसक्रीम खाने से, बट पापा मम्मा के लिए ले रहा हूँ, तो मदर डैडी आ गया हूँ और अब आइसक्रीम लेके जाऊँगा उनके लिए। सो गाइस आज का दिन खत्म करते हैं यहीं पे, और डबल धमाका वाला दिन था आज, पोपट भी हुआ और ठीक भी था मैं कहूँगा, क्योंकि पोपट इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति भवन देखने गए थे, वो देखने को मिला नहीं बाहर लाइटिंग, और नेचुरल्स की आइसक्रीम नहीं मिली, फिर हमको दोनों जगहों पे, एक जगह पे बंद निकला और एक जगह पे इसकी कोकोनट फ्लेवर नहीं था भाई। आज बहुत मस्त रील बनी है,
राहुल के पेज पे आने वाली है. सो इफ यू नॉट फॉलोइंग अस ऑन इंस्टा डोंट मिस आउट द मस्ती विच वी डू ओवर देयर. डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. हमारे इंस्टा हैंडल्स नीचे हैं. कितने प्रो हो गए हम ऐसे बोलने में. पहले मैं बड़ी प्रॉब्लम होती थी ऐसे बोलने में. हम बड़े प्रो हो गए. तो बस वही बोलना था. और अपना ध्यान रखें. आसिम के लिए बहुत सारी आपने दुआएं भेजी विच इज नाइस. थैंक यू सो मच गाइस. एंड आसिम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गेट वेल सून. और आज का शाउट आउट किसके लिए. आज का शाउट आउट है शताक्षी के लिए. शताक्षी थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस. बड़ा सुंदर नाम है शताक्षी. शताक्षी Shataakshi. Nice. So, thank you so much and God bless you and keep supporting us, keep loving us and bye-bye. हमारी तरफ से अब रिदा जी अपनी bye-bye करेंगी. Good night everyone. I love you. I miss you. जल्दी से मेरे घर आना. सुखी रहो. कुछ बता दो. आज कैसे निकला आपका दिन ये बता दो. क्या हुआ आपके साथ. गुड नाइट ही बोलनी आती है और कुछ बोलना ही नहीं आता. सुबह में मैं बोल सकती हूँ गुड मॉर्निंग. मैं नहीं बोल सकती गुड नाइट बोल सकती हूँ. मैं कुछ भी गाजा बुजा जीता गुजा बुजा आ गई थी. चलो मोमेंट फैक्स तो चलो. बाय गाइस टेक केयर. सी यू. बाय. I fall behind every time that you're around and it's a